हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया कि असाइनमेंट किस तरह प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि असाइनमेंट बनाने के बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स अननोटिस्ड रह जाती हैं। तो हम उन कॉमन मिस्टेक्स को आज डिस्कस करेंगे और उनकी अहमियत को भी समझेंगे कि वो कॉमन मिस्टेक्स आपकी असाइनमेंट को किस तरह ख़राब करती हैं। असाइनमेंट में कवर या टाइटल पेज, जिसे फेस पेज कहते हैं, उसमें स्टूडेंट अपना नाम, असाइनमेंट का टाइटल, टीचर या प्रोफेसर का नाम जिसे वो असाइनमेंट सबमिट करवाने जा रहे हैं, और अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम लिखा जाता है। और ये फेस पेज या कवर पेज को हमेशा असाइनमेंट के फ्रंट पेज के तौर पे रखना चाहिए। और ये जो पेज है, कवर पेज या टाइटल पेज जिसे फेस पेज कहते हैं, इसको असाइनमेंट के आखिर में रखना एक गलती है। असाइनमेंट का कवर पेज, टाइटल पेज या जिसे फेस पेज कहते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। उसमें ज़्यादा डिटेल्स डालना, जिस तरह समरी, जिस तरह कंक्लूजन या और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना भी एक गलती है। असाइनमेंट में कवर पेज के बाद कंटेंट्स या आउटलाइंस का पेज ऐड किया जाता है। ये कंटेंट्स या आउटलाइंस का पेज हमें ये बताता है कि असाइनमेंट के अंदर क्या क्या मौजूद है और कहाँ मौजूद है। इस लिहाज से ये कंटेंट्स या आउटलाइंस वाला पेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नेवर फॉरगेट टू ऐड दिस पेज इन योर असाइनमेंट। असाइनमेंट का जो ड्राफ्ट है उसका लेंथ रीज़नेबल होना चाहिए, और उस ड्राफ्ट के अंदर असाइनमेंट के जो पार्ट्स हैं या असाइनमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली अकोमोडेट किया जा सके। तो अपने प्रोफेसर या टीचर्स से कंसल्ट करने के बाद असाइनमेंट की लेंथ को आप एक रीज़नेबल लेंथ में लिख सकते हैं। लेकिन ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि कुछ लर्नर्स असाइनमेंट के ड्राफ्ट को या तो बहुत छोटा लिखते हैं या बहुत बड़ा लिखते हैं। अगर असाइनमेंट का रीज़नेबल जो ड्राफ्ट है वो 5 पेजेस में अकोमोडेट हो सकता है, तो उसको 20 या 30 पेजेस तक लेकर जाना एक मिस्टेक है। इसी तरह एक असाइनमेंट का ड्राफ्ट जिसमें इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप अकोमोडेट कर सकते हैं 20 से 30 पेजेस में, उसको आप 5-6 पेजेस तक लेके आना असाइनमेंट को इनकम्प्लीट करने के बराबर है। तो असाइनमेंट की जो लेंथ है उसको रीज़नेबल रखना चाहिए, उसकी लेंथ को बढ़ाना या छोटा करना एक मिस्टेक है। असाइनमेंट में इंट्रोडक्शन और बॉडी या सेंट्रल पार्ट को मिक्स नहीं करना चाहिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि इंट्रोडक्शन एक ओपनिंग पैराग्राफ है जो असाइनमेंट के बारे में प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और साथ साथ लिखने वाला ये जस्टिफाई करता है कि वो इस टॉपिक या क्वेश्चन पे असाइनमेंट क्यों लिखने जा रहा है। और ये इंट्रोडक्टरी या ओपनिंग जो पार्ट है वो असाइनमेंट चेक करने वाले पर एक फर्स्ट इम्प्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो इंट्रोडक्शन और सेंट्रल पार्ट या बॉडी को मिक्स करना भी एक मिस्टेक है। असाइनमेंट के अंदर आपने जो डायग्राम, साइकल्स या ग्राफ्स आपने ऐड किए हैं उनको लेबल करना ना भूलें, क्योंकि लेबल करने के बगैर ये डायग्राम या साइकल्स इनकम्प्लीट हैं। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए साइंटिफिक टर्म्स नए होते हैं, तो उनके सीखने के बाद उनको लिखने में समटाइम्स गलतियां होती हैं। तो असाइनमेंट लिखते वक्त स्पेलिंग एरर्स एक्चुअली साइंटिफिक या आपका जो असाइनमेंट का ड्राफ्ट है उसके ग्रेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो
कोशिश ये करनी चाहिए कि असाइनमेंट के ड्राफ्ट में स्पेलिंग एरर्स ना हों। पंक्चुएशन को यूज़ करना और ग्रामर को के रूल्स को फॉलो करके लिखना आपके टेक्स्ट को रीडेबल बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, ग्रेसफुल बनाता है। तो असाइनमेंट लिखते वक्त पंक्चुएशन और ग्रामर का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी गलतियाँ आपके लैंग्वेज स्किल्स की वीकनेस को शो करती हैं। असाइनमेंट के टेक्स्ट के अंदर रेफरेंसेस को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रेफरेंसेस ये बताते हैं कि आपने कौन सी किताबें और कौन से पेपर्स या कौन से सोर्सेज को रेफ़र करके असाइनमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया है। तो ये रेफरेंसेस टेक्स्ट के अंदर भी ऐड करनी चाहिए और टेक्स्ट के एंड में उनकी एक लिस्ट बनाना भी ज़रूरी है। असाइनमेंट के अंदर रेफरेंसेस को प्रॉपरली कंपोज करना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट के अंदर या एंड ऑफ द टेक्स्ट में जब आप लिस्ट बनाते हैं तो रेफरेंसेस को इस तरह कंपोज करें कि रेफरेंसेस किसी एक स्टाइल ऑफ रेफरेंस को फॉलो कर रहे हों। ऐसे ना हो कि कुछ रेफरेंसेस किसी एक स्टाइल में लिखे गए हों और बाकी रेफरेंसेस किसी और स्टाइल को फॉलो कर रहे हों। रेफरेंसेस का जो कंपोजिशन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उनका जो पैटर्न है, उनका जो स्टाइल है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मींस एक होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द टेक्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। रेफरेंसेस को इम्प्रॉपरली लिखना एक गलती है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि असाइनमेंट के टेक्स्ट के अंदर कुछ इम्प्रॉपर या गलत रेफरेंसेस भी डाले जाते हैं, जिस तरह google.com है, wikipedia.com है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि गूगल एक सर्च इंजन है, विकीपीडिया एक इंफॉर्मेशन का रिपोजिटरी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मौजूद हैं। हम उनको एज ए रेफरेंस नहीं लिख सकते, हम उन प्रॉपर आर्टिकल्स, बुक्स, बुक चैप्टर्स या सोर्सेज को रेफ़र करेंगे या साइट करेंगे जहाँ से आपने उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया है या पढ़ा है। जिस तरह अगर आपने एक किताब अपने डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी या सेंट्रल लाइब्रेरी से बारो की है, उस किताब में से आपने कुछ पढ़ा है और असाइनमेंट में यूज़ किया है, कोट किया है, तो आप रेफरेंस अपनी लाइब्रेरी का डालेंगे या उस किताब का डालेंगे? डेफिनेटली रेफरेंस उस किताब का डालना होगा, ना ही लाइब्रेरी का डालना होगा। तो इस तरह के इम्प्रॉपर रेफरेंसेस को रिमूव करना चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक्स हैं। अगर आप असाइनमेंट मैन्युअली लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो ऐसी असाइनमेंट के अंदर प्रिंटेड टेक्स्ट डालना एक गलती है, क्योंकि असाइनमेंट का जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो यूनिफॉर्म या कंसिस्टेंट होना चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। अगर आप हैंड रिटन असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं तो आप मैन्युअली लिखें, उसमें प्रिंटेड टेक्स्ट या डायग्राम्स डालना एक गलती है। इन द एंड हम जिस मिस्टेक को मेंशन करने जा रहे हैं वो है सबमिशन आफ्टर द डेडलाइन, और इसके लिए हमने लिखा है कि सबमिशन आफ्टर द डेडलाइन एक ब्लंडर है, एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपको पता है कि असाइनमेंट को असेस किया जाता है, उसके बाद असाइनमेंट के नंबर रिजल्ट में ऐड किए जाते हैं, और एग्ज़ाम के सारे प्रोसेस के बाद असाइनमेंट को असेस नहीं किया जा सकता और उसका रिज़ल्ट के पेपर्स में नहीं डाला जा सकता। तो असाइनमेंट को हमेशा डेडलाइन के अंदर सबमिट करवाना चाहिए, आफ्टर डेडलाइन इट इज़ अ ब्लंडर। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपको हेल्प आउट करेगा कि असाइनमेंट के प्रिपरेशन के वक्त कौन सी कामन मिस्टेक्स होती हैं और उन कामन मिस्टेक्स को अवॉइड करना, रिड्यूस करना क्यों ज़रूरी है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।